हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कुछ होम रेमेडीज के बारे में। तो दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसा डिजीज है जिसके वजह से आपका सेक्सुअल लाइफ बहुत ही ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं और इसका होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या है वो जानना चाहते हैं, तो मेरा एक दूसरा वीडियो भी है, को आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, हमारे चैनल में जो नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दीजिए पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का होम रेमेडीज जो है उसका पहला जो है वो है जिंजर और हनी। तो दोस्तों, जिंजर और हनी आपको टू टेबल स्पून आपका जिंजर लेना होगा, या तो आप उसको पेस्ट कर लीजिए। टू टेबल टीस्पून आपका जिंजर लेना होगा, उसके साथ आपको 2 टीस्पून आपको हनी लेना होगा, वो अच्छे तरीके से मिक्स करना होगा। और आपको रोज ये खाने के पहले आपको खा लेना होगा या तो पी लेना होगा। तो इससे आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी या तो ज़्यादा से भी आपका कम हो सकता है। ये एक अच्छा होम रेमेडी से। तो दूसरा जो है वो है गार्लिक। आप जानते ही होंगे कि गार्लिक एक अच्छे होम रेमेडीज है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रहते हैं और ये सेक्सुअल जो डिजीज होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। और ये स्पर्म को अच्छे तरीके से मतलब फंक्शन करने में और इसका जो गठन होता है उसका अच्छे तरीके से बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपको 2 से 2 to 3 गार्लिक आपको एक क्लोव लेना होगा और डेली आपको एम्प्टी स्टोमक में वो चिवा के खाना होगा, और इसके साथ आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो तीसरा जो है वो है कैरोट्स, एग एंड हनी। तो दोस्तों, आपको 1/2 कप कैरोट्स लेना होगा और 1/2 बॉइल्ड एग लेना होगा और 2 टेबल टीस्पून आपका हनी लेना होगा। तो एक साथ आप खा सकते हैं या तो आप इसको मिक्सर में मिक्स करके भी आप पी सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आप वाटर मेलन जो जूस है वो भी आप पी सकते हैं। ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए एक अच्छे होम रेमेडीज है। चौथा जो है वो है पोमिग्रेंट्स। पोमिग्रेंट्स जूस मतलब अनार का जो जूस होता है वो हमारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रिवेंट करने में बहुत ही अच्छे तरीके से मदद करते हैं। तो दोस्तों, आप पोमिग्रेंट्स जूस आप 1 ग्लास करके आप रोज पी सकते हैं। इससे आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। 5वां नंबर पे जो आता है वो है कैरोट एंड मिल्क। तो दोस्तों, कैरोट और मिल्क आप मिक्स करके भी 1 ग्लास करके रोज पी सकते हैं। इससे आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। 6 में जो आता है वो है अनियंस एंड घी। तो दोस्तों, आपको ऑनियन को फ्राई करना होगा काउस घी के अंदर। आपको 2 टेबल स्पून आपको काऊ घी लेना है, उसके साथ 1 अनियन आपको फ्राई करना है। आपको ऐसे फ्राई करना है जब तक वो अनियन मतलब ब्राउनिश एक कलर फॉर्म में नहीं आ जाए, उस टाइम तक आपका ये फ्राई करना है। तो दोस्तों, ये आप खा सकते हैं। 7वां नंबर पे जो आता है वो है वॉलनट्स एंड हनी। तो दोस्तों, वॉलनट एक ऐसे चीज़ है जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सैचुरेटेड फैट्स रहते हैं और इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो हमारी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को प्रिवेंट करने में बहुत ही अच्छे तरीके से मदद करते हैं। तो दोस्तों, 8वां नंबर पे जो आते हैं वो है लेडीज फिंगर या तो ओकरा, और उसके साथ साथ आपको शुगर लेना है और इसके साथ साथ मिल्क लेना है। तो दोस्तों, आपका लेडीज फिंगर का जो रूट पाउडर बाजार में मिलते हैं उसके साथ साथ आप मिल्क ले लीजिए। मिल्क में 2 टेबल स्पून आपको देना है लेडीज फिंगर का रूट पाउडर, और उसके साथ आप 1 या तो 2 टेबल स्पून आपको शुगर देना चाहिए। ये मिक्स करके आप ये पी सकते हैं। तो दोस्तों, 9th में जो आता है वो है ड्रमस्टिक फ्लावर एंड मिल्क। तो दोस्तों, ड्रमस्टिक फ्लावर के साथ आप मिल्क बॉयल कर सकते हैं और दोनों अच्छे तरीके से बॉयल करके आप पी सकते हैं। तो इससे आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो भी प्रॉब्लम है तो वह आपको मदद मिल सकते हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो प्रॉब्लम है वो भी प्रिवेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, 10वां लास्ट जो है वो है जिनसेंग
एंड वाटर। तो दोस्तों जिनसेंग का रूट जो होता है, और जिनसेंग आप फ्यू मिनट्स मतलब 2 मिनट्स या तो 3 मिनट्स आपको पानी में बॉयल करना है, उसके साथ वो पानी आपको पी लेना है। तो जिनसेंग एक अच्छा मेडिसिन भी है, इसके होम्योपैथिक मेडिसिन भी है इसका, और या तो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है जिनसेंग, वो भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे तरीके से मदद करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। तो दोस्तों शायद ये वीडियो आपका पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है तो किसी को बोल नहीं पाते हैं, इसके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं, उसका मदद कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बाय।